नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। आज चैप्टर है मिक्सचर। तो दोस्तों, मिक्सचर को हम टाइप वाइज सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन का टाइप वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिक्सचर होता क्या है। तो बच्चे, मिक्सचर आप ये कह सकते हैं कि पानी में अगर आपने नमक मिलाया तब भी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, पानी में आपने शक्कर मिला दिया तो पानी और शक्कर का मिक्सचर हो गया, पानी और शक्कर का मिश्रण हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, दूध में पानी मिला दिया तो दूध और पानी का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मिश्रण आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक अलग मूल्य का गेहूं है, एक अलग मूल्य के गेहूं से मिला दिया तो वो मूल्य का मिक्सचर हो गया। ठीक है, एक सस्ता वाला गेहूं था, एक महंगा वाला गेहूं था, सस्ता और महंगा के गेहूं मिला दिया, वो भी एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, आप क्या करते हो, मिक्सचर एक तरीके से और बना सकते हो कि जैसे आप ये बताओ यहाँ मिक्सचर में सबसे अच्छी चीज मैं आपको सिखा दूँ, एक 100 डिग्री टेम्परेचर वाला, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला पानी है और उसको आपने क्या कर दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर वाला पानी को आप इसको इसमें मिलाओगे तो एक मिक्सचर ये भी हो गया। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला दिया तो गर्म पानी और ठंडे पानी का भी मिक्सचर हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर हम सीखेंगे, जो मिक्सचर बनता है यहाँ पर हमने कहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड था यहाँ पर पानी का टेम्परेचर, यहाँ पर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इन दोनों को हमने आपस में मिलाया है, तो क्या कभी 10 डिग्री टेम्परेचर का पानी बन सकता है, नहीं बनेगा। क्यों, 20 डिग्री वाला गर्म होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, 100 डिग्री वाले से ऊपर नहीं, कि 100 डिग्री वाले में 20 डिग्री टेम्परेचर का मिलाया है तो 110 डिग्री टेम्परेचर का पानी कभी नहीं बनेगा मिक्सचर। ठीक है, कभी 20 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर चाहे जितना मिला दो, 20 डिग्री टेम्परेचर की चाहे जितनी मात्रा मिला दो, 100 डिग्री टेम्परेचर की चाहे जितनी मात्रा मिला दो, कभी 10 डिग्री टेम्परेचर का आपका पानी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो इसको ऐसे कहते हैं कि अगर 20 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी अगर हमने 100 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में मिलाया है तो ना कभी 100 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, 100 से ऊपर टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, कभी नहीं जाएगा, और ना ही कभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म पानी मिलाओगे तो ये वाला 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला गर्म होने की तरफ बढ़ेगा, है ना। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड को ठंडे वाले में मिलाओगे, ठंडे पानी में मिलाओगे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म नहीं होगा और ठंडा होने की तरफ आएगा। ठीक है, तो बात आपको कायदे से समझनी है कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 20 डिग्री टेम्परेचर से मिलाएंगे तो 20 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में ही कोई टेम्परेचर बनेगा, इसके नीचे नहीं बनेगा, 20 से नीचे नहीं बनेगा, 100 से ऊपर नहीं बनेगा। एक क्लियर बात है। तो हमेशा जब भी आप देखोगे, जब भी मिक्सचर करते हैं तो मिक्सचर करने में बीच वाली वैल्यू ही तुम बीच में रखोगे, इससे ऊपर नहीं बनेगा, इससे नीचे नहीं बनेगी। ठीक है, तो अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं, टाइप वन पर आते हैं। टाइप वन पर एक एक चीज मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा और बहुत ही ध्यान से एक एक नोट्स बनाते चलिए, एक एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रामबाण हैं, नोट करिए इनको और इनसे समझ लो कि ये मिक्सचर पूरा आपको रट जाएगा। जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, जितने भी बनाए हैं, एक भी टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्सचर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठने वाला है आज से। चलो देखो, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, अब दो दर क्या है, दर मतलब अलग अलग मूल्य की दो वस्तुएं हैं, दो दर की मूल्य मतलब एक गेहूं जैसे 15 रुपए का है, एक गेहूं 16 रुपए का है। ठीक है, दो अलग अलग दरों की वस्तुएं जब मिलाई जाएं, ठीक है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है। बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलो, बिल्कुल तैयार करके बैठो अपने माइंड को। चलो देखो, यहां पर टाइप वन क्या कह रहा है, कह रहा है 1620 प्रति किलो वाला चावल है, जो अगर एक किलो लोगे जाकर तो 6 रुपए 20 पैसे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और दूसरा जब गेहूं लोगे जाके तो 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलो वाला चावल है। ठीक है, यानी 7.20 रुपए प्रति किलो वाला चावल है। उसने क्या किया, दोनों चावल को मिला दिया। क्या किया, दोनों चावल को मिला दिया। देखो, एक 6.2 वाला रेट था, एक चावल का रेट था 7.2 का।
दोनों चावल को इसने क्या किया, आपस में मिला दिया, तो कह रहे हैं को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं का मतलब क्या है, ये वाला चावल कितना मिलाएं, ये वाला चावल कितना मिलाएं, कि जो रेट बन जाए वो 6.50 का बन जाए, क्या बन जाए, 6.50 का बन जाए। इसका मतलब है ये 6.50 पर बेचने पर उतनी मात्रा घाटा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, उसके आगे से हम क्या करेंगे, फिर आप समझ जाओगे पूरी चीज़ें, ठीक है। तो 6.2 को हमने आपस में जब मिलाया तो एक रेट बन गया, कितना बन गया, 6.5 वाला गेहूँ बन गया। जरा एक चीज़ देखो, 6.2 और 7.2 के बीच में ही है कि नहीं है रेट, है, और बिल्कुल बीच में ही रेट बनेगा। अगर 6.2 रुपए वाला गेहूं 7.2 रुपए वाले गेहूं से मिलाएंगे तो कभी 7.2 से ऊपर का रेट नहीं बनेगा, और ना कभी 6.2 से नीचे का रेट बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चे बना कितना, इनके बीच का रेट बना 6.5। इसका मतलब है 6.5 में अगर मैं बेच दूंगा तो हमें न घाटा होगा न प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो एक चीज और समझो यहां पर, अब बच्चे हमको क्या करना, एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन कहता है तिरछा घटाओ जो जिसमें घट जाए, तिरछा घटाओ जो जिसमें घट जाए, तिरछा घटाओ जो जिसमें घट जाए। और बच्चे हम ये भी जानते हैं 62, 72, 65 ये आपस में एक रेशियो में होते हैं, आपस में क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। अगर अनुपात में होते हैं तो हम कह देंगे कि पॉइंट पॉइंट हटा दो सबसे, क्योंकि एक अंक बाद ये भी पॉइंट लगा, एक अंक बाद ये भी पॉइंट लगा, एक अंक बाद ये भी पॉइंट लगा है, सबके पॉइंट हटा दो, सबके पॉइंट हमने हटा दिया। अब काट भी सकते हो, अगर ये तीनों अगर कट रही है किसी से तीनों, तो काट भी सकते हो। अगर हम एक संख्या में दो से गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, ये तीनों संख्याएं आपस में रेशियो में होती हैं, यानी इसमें कुछ छेड़खानी करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी उतनी छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्लियर। चलो अभी तो आपस में कट नहीं रहे हैं कुछ, तो अब घटाना ही उचित है। 72 में 65 घट रहा है, तो 72 में जैसे ही 65 घटाया कितना आ गया, 7 आ गया। अब बच्चे 65 में तो 62 घटाएंगे, तो 65 में 62 नहीं घट रहा, क्योंकि ये बीच में है, 62 और 72 के बीच में है 65, ठीक है। एक बार 72 से 65 घटा दिया, 65 में 62 घटाओगे, तिरछा घटाना है जो जिसमें घट जाए। 65 में 62 गए कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। हमें पता चल गया किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बच्चे 7:3 में मिलाया जाए, किस में मिलाया जाए, 7:3। ये कोई केजी यूनिट कुछ नहीं है, ये केवल 7:3 में। अगर 7 केजी भी बना सकते हो, कि 7 ग्राम अगर ये वाला 6.2 वाला मिलाओगे तो 3 ग्राम 7.2 वाला बनाओगे तो 6.5 का बिकेगा, ठीक है। अभी देखो इसी में अगर इसको चेक करना है तो हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 62 6.2 रुपए प्रति केजी वाला चावल 7 यूनिट मिलाओगे, 7.2 प्रति किलो वाला चावल 3 केजी मिलाओगे, तब तुम्हारा रेट कितना बन जाएगा, 6.5 केजी वाला रेट बन जाएगा, जो तुमने मिला के इकट्ठा किया है, मिला के कितने, कितना माल तुमने इकट्ठा किया, 7 × 3 = 10 माल तुमने इकट्ठा कर लिया, मिला के 6.2 वाला 7 यूनिट लिया, 7.2 वाला 3 यूनिट मान लिया, और दोनों को मिला दिया, मिला के जो तैयार किया है उसका रेट कितना आ गया, 6.5 आ गया। चेक करना है कैसे, तो कर लेते हैं। 6.2 वाला अगर 7 मिलाएंगे तो 7 × 14 = 4 हासिल लगे 1 = 42 = 43 43.4 रुपया लगेंगे। 6.2 रुपए वाला अगर 7 यूनिट हम सामान लेंगे तो 43.4 रुपए लगेंगे। 3 यूनिट ले लो तो 3 × 6 = 21 कितना लगेगा, 21.6, यानी टोटल रुपए कितने लग गए बच्चे मेरे, तो टोटल लगे 6 × 4 = 10 = 0 हासिल लगे 1 × 1 = 2 × 3 = 5 और यहाँ 4 × 2 = 6 कितना आ गया, 65 आ गया, इसको जोड़ने से 65 आ गया। अब बच्चे ये 65 किसका रुपया है, तो हम कहेंगे 7 × 3 = 10 टोटल 7 × 3 = 10 का है, तो बच्चे जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे
65 में 10 किलो सामान हम ले रहे हैं, 7 3, इससे मैं 7 किलो 6.2 रुपए से मैं 7 किलो ला रहा था, 7.2 से मैं 3 किलो ला रहा था, टोटल लाया कितना मैं 7 3 10 लाया, कितने रुपए लगे 65 रुपए लगे, और जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो 6.5 आ जाएगा कि नहीं, 6.5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे, तो अभी इसमें एक दो चीज़ें और बताएंगे, और जैसे ही वीडियो आगे चलता जाएगा उसी आधार पर हम बताते आपको चलेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई है कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, कि इतने रुपए वाला गेहूं, इतने रुपए वाला गेहूं मिला के एक गेहूं बनता है, वो किस अनुपात में मिलाया जाए तो इस रुपए वाला गेहूं बनेगा, ऐसा तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आपको एलिगेशन लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए, देखो एक अब आंसर आप लोग बताने स्टार्ट कर दो, क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए प्रति किग्रा वाली और एक क्या रेट है 7 रुपए प्रति किग्रा वाली चीनी मिला रहा है, एक का रेट है 12 रुपए और एक का रेट कितना है 7 रुपए है, और ये दोनों आपस में मिला रहा है तो एक रेट बन जा रहा है, वो रेट क्या है 8 रुपए प्रति केजी वाली चीनी बन जा रही है, क्या बन जा रही है 8 रुपए प्रति केजी वाली। अच्छा एक चीज और देखो, ये भी सीपी है, खरीद मूल्य है, ये भी खरीद मूल्य है और ये भी खरीद मूल्य है, ये भी सीपी है, हमने कहा जो यहां पर रखोगे, अगर तुमने क्रय मूल्य रखा है तो इधर भी क्रय मूल्य होगा, इधर भी क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो बच्चे आपको ये सब पता चल गया, आप तिरछा से घटा दो, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि 12 और 7 के बीच में है 8, बिल्कुल है, अब 8 में 7 गया कितना आ जाएगा 1, और 12 में 8 गया कितना आ जाएगा 4, यानी आंसर आपका कितना आ गया 1:1:4, यानी कह तो रहे हैं ना, ये क्या कह रहे थे, को मिश्रित करें कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति केजी बन जाए, और किस अनुपात में, ये देखो पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है, किस अनुपात में, तो अनुपात क्या आ गया 1:1:4, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर परसेंट में वैल्यू दिख रही है, कह रहे 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल हैं। अच्छा सांद्रता क्या होती है, 15% का मतलब है 100% का अगर तुमने शरबत बनाया है, चीनी और पानी को मिलाया है तो उसमें 15% चीनी वाला एक शरबत है, उसमें 100 में 15% चीनी है, बाकी क्या है 85% पानी है, 40% सांद्रता वाले चीनी में, यानी 40% इसमें क्या है, 40% इसमें चीनी है और 60% क्या है पानी है, ठीक है। तो हम जान गए 15% चीनी, यानी एक जो घोल था उसमें 15% चीनी थी और एक जो घोल था उसमें 40% चीनी थी, घोल का मतलब शरबत, जानते हो देसी भाषा में क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं, तो 15% चीनी वाला शरबत है, एक शरबत है 40% चीनी वाला, अब उसको भैया मिला के कह रहे हैं किस अनुपात में ये दोनों शरबत मिलाए जाएं कि जो शरबत बने ना वो 30% चीनी वाला शरबत बन जाए, यानी इन दोनों को मिलाने से जो शरबत बन रहा है वो कितना बन रहा है 30% वाला बन रहा है। बच्चे एक चीज बताओ, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये एक रेशियो में होते, अनुपात में होते, तो परसेंट हटा सकते हैं, हटा सकते कि नहीं हटा सकते, हम काट भी सकते हैं इनको, हम क्या कर सकते हैं बच्चे, काट भी सकते हैं, अगर काटना है तो हम काट भी सकते हैं, देखो 5 23 15 5 55 40 और 5 से इसको काटो 5 6 30, अब 3 में 6 घटा दो तो 3 में 6 घटा दो कितना आएगा, 3 में 6 घटा दो 3 आएगा, 8 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा, 8 में 6 घटा दो 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2:3, किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में, बच्चे क्वेश्चन कह रहे हैं ना किस अनुपात में मिलाएं, 2:3, इसका मतलब क्या है 15% वाला शरबत 2 यूनिट मिलाओ और 40% वाला शरबत 3 यूनिट मिलाओ, तो जो शरबत बनेगा उसमें चीनी 30% वाला शरबत बन जाएगा, क्लियर है। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो अच्छा, इसको काटते नहीं तब भी जल्दी हो जाता, मैंने कहा है कि इसको काट सकते हैं, ठीक है, अगर काटना नहीं है तो परसेंट तो हटा ही दो, परसेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चे, एक एक चीज सीखो तुम, 40 में 30 घटा दो कितना आएगा, कहोगे सर जी 10 आएगा, 30 में 15 घटा दो कितना आएगा, सर जी 15 आएगा, 5 2 10
पाँच तेई पंद्रह अब काटोगे, क्योंकि रेशियो में जब तक कटेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक काटेंगे। अब देखो दो और तीन में अब कुछ नहीं कट रहा है, यानी अब दो अनुपात तीन आ गया, यानी किस अनुपात में मिलाएं, तो आंसर हमारा है दो अनुपात तीन में मिलाया जाए। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर बच्चे, अब ये आपको करना है, स्पीड में करना है, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं श्योर मिलने वाले हैं। कोई भी परीक्षा हो, मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है कि एक से दो क्वेश्चन आपको श्योर मिलते ही हैं, है ना, तो इसको सीरियस पढ़ेंगे। चलो आंसर बताओ जल्दी से। 28% 28% और यहां पर कितना है 20% इथेनॉल वाला घोल है, यानी इसका मतलब 28% एक में इथेनॉल है, एक में इथेनॉल है कितना, एक घोल में इथेनॉल है 20%, और कह रहे दोनों को किस अनुपात में मिला दो क्या बन जाए 40% इथेनॉल वाला घोल बन जाए, यानी 40% को कहां रखोगे, बीच में रखोगे। भैया एक 28% वाला है, एक 20% वाला है, अरे यहां पर क्या है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। देखो यहां पर ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए, 28% का इथेनॉल तो प्राप्त करना है ना, तो प्राप्त करने वाला कहां पर रखेंगे, बीच में। 28% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाएं, यानी कह रहे हैं दो घोल मिलाने हैं। देखो वही तो, दो घोल मिलाने ना, 20% वाला एक इथेनॉल घोल मिलाना है, एक मिलाना है 40% वाला। कह रहे हैं 20% और 40% वाला इथेनॉल घोल मिला दो, तो 28% मुझे इथेनॉल वाला घोल प्राप्त करना है, तो किस अनुपात में मिलाएं। तो बच्चे देखो 20 और 40 के बीच में 28 आ रहा है ना, तो हमने देखा ये 28 में 20 गया कितना 8, और 40 में 28 गया कितना आ जाएगा, तो 40 में 28 गया 12, तो 4 तेई 12, 4 2 8 कितना आ जाएगा 3:2, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है बच्चे आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट कट जाएगा, लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर, काट भी सकते हो नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो जानते हैं कटेगा ही, परसेंट आप और काट के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ये आपकी मर्जी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, जब लाभ या हानि की प्रतिशत पर मिश्रण को बेचा जाए, इसको भी ध्यान से समझते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पहले एक बार अच्छे से रीड करेंगे कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपए प्रति किग्रा की दर से तथा कुछ चावल 24 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदे हैं, क्या किए हैं, खरीदे हैं। पहली लाइन बहुत ध्यान से समझो, करने से पहले इसको समझना जरूरी है, जब भी पहला क्वेश्चन आएगा टाइप चेंज होगा वहां पर मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे हैं, एक 24 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे हैं। आप कहोगे सर जी ये दोनों जो रेट है ना ये सीपी है, खरीद मूल्य है, क्योंकि खरीदा जा रहा है इन्हीं मूल्य पर खरीदा जा रहा है, बात क्लियर है। आगे उसने उन दोनों को मिलाकर 21.60 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचे। लो भैया यहाँ पे इन्होंने दिक्कत कर दी, यहाँ पे ये 15 रुपए और ये 24 रुपए तो सीपी दी थी, कॉस्ट प्राइस दी थी, खरीद मूल्य दिया था, लेकिन यहाँ पर जो 21.6 है वो एसपी दे दी। हमने कहा था एलिगेशन में ये जो चीज़ें होती हैं सीपी, तो यहाँ पर भी सीपी ही आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे, सेम यूनिट यहाँ तीनों रखी जाती हैं और अनुपात में होती है सारी, ठीक है। यही चीज तो बताई है हमने, तो इसको बड़े ध्यान से फिर से समझो बच्चे। 21.60 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचकर, यानी बेचने वाला मूल्य है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी उसे बेचने वाला मूल्य कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये बेचने वाला मूल्य है, हमने कहा ये सर जी एसपी है, ये एसपी है, ये एसपी कितनी है 21.60 है, कितनी है 21.60, यानी 21.6 है। कह रहे जब बेचने पर
इस मूल्य पर 21.6 में जब बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चे, आप लिख लो 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है, 20% की वैल्यू ओपन करो, 20% की वैल्यू 1/5 होता है, यानी 20% का प्रॉफिट बराबर 1/5 का प्रॉफिट। अगर 1/5 का प्रॉफिट है यानी इसका मतलब है 5/1 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आपसे कह दिया जाए 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है तुमको, तो तुम कहोगे 5 रुपए अगर होते तो वो चीज़ मैं 5 रुपए वाली चीज़ पर मुझे 1 रुपए प्रॉफिट लेकर मैं बेचता, 5/1 रुपए प्रॉफिट लोगे तो 6 की बेचूंगा। ये 5 क्या है, ये 5 क्या है बच्चे, ये 5 CP है, 5 की खरीदी थी, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेना है यानी 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचना है मुझे, तो 6 की मैं बेचूंगा। तो ये बेचने वाला मूल्य है, यानी ये क्या है SP है और ये क्या है ये CP है, ये क्या है CP है। मुझे केवल 20% का प्रॉफिट पर बेचा, तो इस पे एक हमने रेशियो अनुपात बना लिया कि 5 की चीज़ 6 की बेचेंगे अगर 20% का प्रॉफिट पर बेचेंगे, यानी 5 क्या है CP है, 6 क्या है SP है। अब एक चीज़ बच्चे बड़ी क्लियर समझो कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं 21.60 रुपये क्या है SP है, यानी SP 21.6, यहाँ पर SP कितनी है 6 है, यानी ये SP बराबर कर देंगे, ये ओरिजिनल SP है जो क्वेश्चन में दी गई है। यानी एक चीज़ बताओ कि 6 को अगर 6 बराबर कर देंगे किसके, 21.6 के, 21.6 के कर देंगे, और बच्चे इसको काटना है तुम्हें तो 6 से काट दो कितना आ जाएगा 3.6, कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। अगर 3.6 आ गया है तो ये 1 की वैल्यू 6 × 6 और 36 × 18 = 36, 1 की वैल्यू 3.6 आ गई है, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो 36 × 5 आप बताओ कितना होता है सर जी, 36 × 5 = 180 होता है, 36 × 5 कितना होता है 180 होता है, लेकिन एक दशमलव लगा है तो बीच में लगा दो छोटा सा दशमलव, यानी 18 रुपया आ गया। 21.6 की SP होती और अगर 21.6 पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता तो यानी मैंने खरीदा कितने की था 18 रुपए की खरीदी थी। ये 18 क्या है CP है, ये 18 क्या है CP है। अब पूरी कहानी सेम हो गई, ये भी CP, ये SP थी, इस SP की CP क्या है 18 CP है, हम जान गए। यानी एक तरफ कितना है 15 रुपए वाला क्या है चावल है, एक तरफ 24 रुपए वाला चावल है, और 15 रुपए वाले चावल को 24 रुपए वाले चावल से किस अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपए खरीद वाला चावल बन जाए, तो 18 रुपए खरीद वाला मिल गया, ये भी खरीद, यानी ये सारी की सारी CP है। CP निकालने के लिए इतनी मगजमारी की है, और ये सब बेसिक आप और जल्दी कर सकते हो, अभी हम बताएंगे इसको, बिल्कुल घबराओ नहीं, 24 × 18 के कितना गया 6। एलिगेशन क्या कहता है, तिरछा घटाओ जो जिसमें घट जाए, 18 × 15 गए कितना आएगा 3, और यानी 3 से काटा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये कितना आ गया 2:1, कितना आ गया बच्चे 2:1 आ गया है। यानी इन्होंने क्या कहा था, मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों के अनुपात क्रमानुसार कितने थे, तो आप कहोगे 2:1 थे, कितने थे 2:1 थे, यही बच्चे मेरे क्या है आंसर है। ये रेशियो तरीका बताया था, लिखने वाली चीज़ कोई नहीं होती है, ये 20% ये वाला स्टेप तो मुझे लिखना ही नहीं था, 20% का प्रॉफिट यानी 20×5 = 100, 5 की चीज़ 6 की, 6 बराबर 21.6 के, अगर 1 बराबर 3.6 की, 3.6 × 5 कितना जाता 180, यानी 18.0, तो 18 रेट आ गया, 18 यहाँ पर चिपका दिया, 18 कहाँ पर चिपका दिया, 18 मेरे बच्चे कहाँ पर चिपका दिया, ये बीच में रख दिया और फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया। अब एक चीज़ बताओ, ये तो हम कर ही लेते, अगर और एक चीज़ आपको पता होती वो क्या पता होती, हम ऐसे करते, हम इसी को पकड़ते, ये CP, ये SP है ना, ये बेचा हुआ मूल्य है और 20% प्रॉफिट पर बेचा हुआ मूल्य है, 21.6 20% प्रॉफिट पर बेचा हुआ मूल्य है, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते 21.6 × 100। SP से हमें CP पर जाना है तो सब कुछ उल्टा करते हैं, हमने सिखाया था 100/100 करते हैं, लेकिन 100/100 उल्टा करते हैं, यानी नीचे सब कुछ बढ़ेगा या घटेगा, तो 100/100 यानी प्रॉफिट है तो 120,
जीरो से जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये दशमलव कैंसिल। अब 12 से जैसे ही इसको काटोगे मेरे बच्चे तो 12 इक्के 12, 12 अट्ठे 96, 18 रुपए की क्या निकल आई, 18 रुपए की सीपी निकल आई। और अगर 18 रुपए की सीपी है फिर वही नियम लगा दो कि 15 वाला गेहूँ 24 वाले गेहूँ में मिलाकर मुझे 18 रुपए वाला गेहूँ प्राप्त कर लिया है, तो 3 इधर आएगा और 24 में 18 घटाएंगे 6 इधर आएगा और 3 और 2 काट देंगे, आंसर कितना आएगा, 2:1 आएगा। क्या पहले भी 2:1 आ रहा था कि नहीं? चलो तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, बिल्कुल अगर नींद आई ना तो पटक के मारेंगे तुमको, ये समझ लो ठीक है। हम जान रहे हैं तुम ये सब चीज़ों में सोने लगते हो क्योंकि मैथ में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, तो इंटरेस्ट जब जगाएंगे, क्योंकि हमें परीक्षाएं देनी है बच्चे, हमें क्या करनी है परीक्षाएं, ऐसे परीक्षा तो निकलती नहीं है कि तुम सोच लो और सारे काम करने के लिए तुम रेडी रहते हो, लेकिन जब पढ़ने का समय आता है, जब अपने लिए समय आता है, जब अपना समय आता है कि हम कुछ अपने लिए कर लें, उस समय तुम्हारी क्या है, उस समय तुम सोचते हो कि कैसे करेंगे, कर लो अभी समय है, वरना ये समझ लो कि कोई बाद में पूछेगा नहीं, सब तुमको दुश्मन नजर आएंगे, ठीक है। भैया उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, तभी तो कहते हैं कुछ अपने लिए भी करते चलो, नहीं तो बाद में सब दुश्मन नजर आएंगे, सब लोग गलत ही नजर आएंगे तुम्हें, ठीक है। अगर करते चलोगे, अगर कुछ बन जाओगे उसी टाइम उसी पीरियड में, तो सब लोग अच्छे नजर आएंगे कि हाँ भैया ने ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा कर लिया, ठीक है। तो कुछ सोचो अपने जीवन के बारे में, इतने बड़े हो चुके हो, कम से कम 27 से 28, 30 साल के हो चुके हो, अभी भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है गलत बात है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 को बड़ी ध्यान से हमको समझना है, ठीक है। तो चलिए, एक पंसारी है, वो 60 रुपए प्रति केजी वाली चाय, 65 रुपए प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो। मैंने बताया था सीपी, तीनों जो तुम्हारे यूनिट होनी चाहिए वो सीपी में ही होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो आपका प्राइस है ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो कन्वर्ट करना है किसमें, सीपी में चेंज करना है। तो बिल्कुल चालू हो जाओ सीपी में चेंज करने के लिए बच्चे। ये एसपी है तुम्हारा, मैं यहाँ पर छोटा सा मैं बता देता हूँ कि एसपी कितनी है, एसपी है 68.2। अब कह रहे हैं भाव में बेचने पर उसे 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% का है, 10% का है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 10% का प्रॉफिट है तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। जब भी हमने प्रॉफिट का जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको हमने भिन्न में चेंज किया, 10 पर 1 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 10 पर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 10 की चीज 11 की बेची जाएगी। ये सीपी है और ये एसपी है, यहाँ पर रेशियो में एसपी 11 है और क्वेश्चन में दिया हुआ एसपी 68.2 है, तो हम 11 की वैल्यू तुरंत बराबर कर देंगे किसके, 11 की वैल्यू बराबर कर देंगे 68.2 के, आसानी से इसको हम काट लेंगे, 11 से इसको काटा तो 11 छक्का 66 और 11 दूना 22, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई है 6.2। और अगर 1 की वैल्यू 6.2 है तो मुझे तो सीपी निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो 6.2 से गुणा कर देंगे, हमारी सीपी कितनी आ गई, सीपी आ गई 62, कितनी आ गई 62। तो यहाँ पर हमने सीपी निकालने के लिए इतना प्रोसेस किया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको छोटा कर लेता हूँ अब, क्योंकि अब हमें मेन एलिगेशन पर चलना है, एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट पर चलना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर इतना हमने प्रोसेस ये कर लिया है, ठीक है। अब चले, अब यहाँ पर हमको एलिगेशन लगा देना है, क्योंकि हमने इसकी भी सीपी पता कर ली है, सीपी और ये तो सीपी और सीपी दिए ही थे, यानी एक पंसारी 60 रुपए वाला एक क्या है, चाय है, एक चाय है 65 रुपए वाला, तो जो चाय बनता है इसको इसको मिलाने पर वो 62 रुपए वाला चाय बन जाता है, कितने रुपए वाला बन जाता है, 62 रुपए वाला। तो 62 में 60 हमने घटाया तो कितना आ गया, 2, 65 में 62 हमने घटाया तो कितना आ गया, 3, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो आंसर आपका होगा
3:2 किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो 3:2 में, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा आपका आंसर हो गया। यहां पर अनुपात पूछा गया था, कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, हो गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 2 है, इसी प्रकार का टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, उसको भी देखते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज हमने करके टाइप 2 टाइप 3 बनाया है, जिससे आपको ज्यादा समझने में आसानी हो सके, ठीक है। चलो, 55 रुपए प्रति केजी, क्या कह रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 55 रुपए प्रति किग्रा और 70 रुपए बच्चे, 70 रुपए प्रति किग्रा की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। इस बार हानि दे दी है, तो हानि दे दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10% को उठा लो यहां पर। मैं यहीं पर बता देता हूं 10% की वैल्यू, बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये 54 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर, ये बेचा हुआ मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है, और हमको सारा का सारा जितनी भी आपके प्राइस हैं वो कॉस्ट प्राइस ही पता होने चाहिए, क्रय मूल्य ही पता होना चाहिए, खरीद मूल्य ही पता होना चाहिए, ये तो बेचा हुआ मूल्य है। तो 54 रुपए पर बेच रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा कितने की है, खरीद मूल्य पता करना है, तो उसका बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी अगर 1/10 की हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, अगर 1/10 की हानि हो रही है तो 10 की खरीदी है, उस पर 1 की हानि हो गई है, यानी 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 9 की बिकेगी। 10 की चीज़ मेरे प्यारे बच्चे अगर 9 की बिकेगी तो हम कहेंगे 9 बराबर किसके है, तो 9 = 54 के है, क्यों, क्योंकि ये भी बेचा हुआ मूल्य है और 10 की खरीदा, 9 की बेचा, ये भी 9 बेचा हुआ मूल्य है, 9 बराबर किसके, 9 = 54 के, 9 से काट दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बच्चे 1 की वैल्यू अगर 6 है, हमें तो CP निकालना है, 6 × 60, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, यानी हमको पता चल गया 60 क्या है, 60 क्या है, तो 60 यहाँ पर CP है, क्रय मूल्य है, मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य बना चाहेगा वो 60 रुपए बन गया, ठीक है। तो पहले अलग अलग सबके मूल्य पता है, अलग 55 था, ठीक है, 70 रुपए था, ठीक है, 55 रुपए प्रति किग्रा, 70 रुपए प्रति किग्रा की दो वस्तुएं, एक 55 रुपए प्रति किग्रा की एक वस्तु, एक वस्तु 70 रुपए प्रति किग्रा की है, दोनों को मिला दिया तब CP बना कितने का, 60 रुपए प्रति केजी का, कितने का बना, 60 रुपए प्रति केजी का बना। बच्चे इसको घटा दो तो 60 में 55 घटाया तो 5 आया, और 70 में 60 घटाया तो कितना आया, 10 आया, और 5 से 10 को काट दो क्योंकि अनुपात आपको पता चल गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, क्या आप बताओ क्वेश्चन का आंसर सही है, 2:1, ठीक है, तो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं, एलिगेशन मेथड आपके सवालों को बहुत ही ज़्यादा सरल कर देता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे 8 नंबर आ चुका है, ये देखो, देखो ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, 75 रुपये प्रति केजी, 100 रुपये, अच्छा देखो ये कॉस्ट प्राइस है, 75 रुपये प्रति केजी, 100 रुपये प्रति केजी की दो वस्तुएं हैं, आपस में मिलाई जा रही हैं, किस अनुपात में मिलाई जा रही हैं ये आपको बताना है, किस अनुपात में मिलाई जाए ये आपको बताना है, ताकि मिश्रण, ताकि जो मिला हुआ सामान है 72 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर, भैया बेचने पर आ गया है तो ये SP आ गई है, क्या आ गई है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य आ गया है 72 रुपये, और कह रहे हैं 72 रुपये में जब बेचोगे तो 20% का क्या होगा, लॉस होगा। बच्चे अगर 72 रुपये बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है तो खरीद मूल्य बताओ, ये तो बेचा हुआ मूल्य है तो 72 की खरीद मूल्य क्या है, तो हम कहेंगे 20% को हम 20/2500 1/5 रखते हैं, अगर 20% की हानि हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1/5 की हानि हो रही है। अगर आप कहोगे 1/5 की हानि हो रही है, इसका मतलब 5 की मैंने 5 CP है, 5 की खरीदी थी, उस पर 1 का ऊपर वाले का लॉस होता है, 1/5 का लॉस मतलब 1 का लॉस है 5 पर, 5 रुपए की खरीदी थी उस पर 1 का लॉस हो गया, लॉस मतलब घाटा हो गया, तो 4 की बिकेगी, ठीक है, 4 की बिकेगी। यहाँ पर कितने की बिक रही है, 72 की बिक रही है, यहाँ पर कितने की बिक रही है, 4 की बिक रही है, यानी 4 की वैल्यू बच्चे हम क्या 72 कर सकते हैं, और अगर 72 कर दिया तो 1 की वैल्यू पता करना है, तो 4 की काट दो इससे, तो 4 1 के 4
चरवट 32, यानी एक की वैल्यू बच्चे क्या 18 आ गई है। बताओ, एक की वैल्यू अगर 18 है तो 18 का 5 से गुणा किया, 18 पंचे कितना आ गया, 90 आ गया। ये 90 मिक्सचर, 90 मिक्सचर का क्या है, सीपी है। मिश्रण के बाद, मिलाने के बाद सीपी कितना आया, 90 आया। चलो अलग अलग देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं कि 75 रुपये की एक सामान थी, 75 रुपये खरीद मूल्य था, एक सामान का खरीद मूल्य 100 रुपये था। जब दोनों सामानों को मिलाया तो खरीद मूल्य 90 रुपये बन गया। कितना बन गया, 90 रुपये बन गया। भैया ये भी खरीद मूल्य, ये भी खरीद मूल्य, मिलाने के बाद भी खरीद मूल्य रखेंगे, तिरछा घटा देंगे। 100 में 90 गया कितना आ जाएगा, 10, और बच्चे 90 में 75 गया कितना आएगा, 15। काट देंगे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि आपका आंसर क्या 2:3 सही है। बताओ 2:3 आ रहा है। चलो तो 8वें नंबर का आंसर 2:3 हो गया है, तो आपका भी आंसर आना चाहिए इसी तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का आ गया है। क्या आ गया बच्चे, टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। कह रहे स्प्रिट, देखो इसको दो तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे आप लगा रहे थे उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसका और बेसिक और फास्ट तरीका भी अपना सकते हैं। आप एक चीज जानते हो कि स्प्रिट के साथ पानी को मिलाया जा रहा है और पानी की कोई कीमत होती है, नहीं होती है। पानी तो 0 रुपये में मिल जाता है, कहीं से भी पानी आप ले सकते हो। यहाँ पर पैसे वाला पानी नहीं मिला रहे हैं, ठीक है कि मिनरल वाटर लेके आओ 20 रुपये का वो मिला दो, नहीं। यहाँ पर पानी क्या है, फ्री वाला मिलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पानी जो होता है फ्री वाला, जिसका मूल्य क्या होता है, जिसका मूल्य कितना होता है भैया, 0 होता है। कितना होता है, 0 रुपये होता है। तो स्प्रिट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। आपने कहा कि स्प्रिट हमारे पास 100% थी और 100% है, और अगर पानी इसमें कितना मिला दिया जाए, पानी पानी फायदा हो जाएगा। इसमें अगर एक पानी मिलाओगे 100 में, आप बताओ, देखो बहुत ध्यान से समझो, आपको ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। आपके पास 100 क्या थी, 100 स्प्रिट थी, 100 स्प्रिट में आपने एक किलो पानी मिला दिया, तो आप कहोगे 100 पर 1 का फायदा हो गया, 1% का फायदा हो गया। आपने 100 पर क्या किया, 100 केजी स्प्रिट में 2 केजी पानी मिला दिया, आप कहोगे 100 में 2 मिला दिया है, ये तो फ्री ही आ रहा है ना पानी, तो 2% का फायदा होगा। 100 पर 3 मिला देंगे, 3% का फायदा होगा। बच्चे ये सब अगर जानते हो तुम, तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप बताओ 100 में सीधा सीधा पानी कितना मिला दें, 20 मिला दें। 100 केजी अगर सामान होता, 100 केजी अगर स्प्रिट होती, उसमें 20 केजी मैं पानी मिला देता, और पानी तो फ्री होता है, ठीक है, तो 20% का फायदा हो जाता। 100 का आप डायरेक्ट करोगे कि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ये आपका स्प्रिट है, ये आपका पानी है, आप सीधा से इसको केवल काट दो, 20 × 21 20 × 25 100, यानी कि 5:1 5:1 में स्प्रिट के साथ पानी मिलाया जाए। स्प्रिट 5 मिलाएं तो उसमें 1 क्या मिला दें, 1 पानी मिला दें, आपको 20% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज हम बार बार कह रहे हैं कि जो पानी होता है वो फ्री होता है, तो 100 रुपये की तुम्हारी, 100 रुपये की स्प्रिट थी, उसमें 20 रुपये का सॉरी 20 केजी, ये 100 केजी स्प्रिट है, उसमें 20 केजी तुमने क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया, इसकी कीमत क्या है, फ्री है, ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर दस क्या है बच्चे, पानी को स्प्रिट में किस अनुपात से मिलाया जाए, पानी में स्प्रिट को कि 16 से 2/3, फिर से आ गया, 100 केजी था स्प्रिट, उसमें कितना फायदा लेना है, तो 100 का 16 से 2/3% उतना ही होता है, 16 से 2/3% ही, ठीक है। आप आंसर बता दो जल्दी से, 16 × 3 = 48 49 50, इसको लिखते हैं 50 / 3, और यहाँ पर कितना है, 100 है, आप क्या इसको काट नहीं पाओगे, 50 × 100, ये आ गया 3 × 3 = 2 3 × 6 = 6 कितना आ जाएगा, 6:1, यानी आपका आंसर कितना है, 6:1 में मिलाएं तो क्या होगा, 16 से 2/3% का लाभ हो जाएगा, यानी 6 स्प्रिट में 1 पानी मिलाया जाए, क्लियर है। आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 4 पर पहुंच चुके हैं हम लोग।
एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है। समझे? एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का क्या करता है, लाभ उठाता है। तो बताइए दूध में कितना पानी मिलाया है उसने। तो एक चीज समझ लो, वही क्वेश्चन है कि अगर पानी मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, तो आप कहोगे वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 100 लीटर दूध था, अगर 25% का फायदा कमाना है तो 100 में 25 वो क्या करेगा, 100 का 25% पानी मिला देगा, तो 100 का 25% 25 ही होता है। अगर 25% प्रॉफिट लेना है तो 25% ही पानी मिलाएगा, क्योंकि पानी फ्री होता है। पानी क्या होता है, फ्री होता है। तो 100 में अगर 25% का प्रॉफिट लेना है तो 100 में 25% ही वो पानी मिला देगा, यानी 25 मिला दिया पानी 100 में, 100 में अगर 25 पानी मिला दिया है तो हम जान गए क्या कि अगर 100 दूध होगा तो उसमें 25 पानी होगा। ठीक है, तो इसको काट दो, 25 इक्के 25 25 चक्को 100। अगर 4 यूनिट दूध होगा तो उसमें 1 यूनिट पानी मिलाया जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यानी 4 की वैल्यू ये बता रहे हैं कितनी है, 120 है। अगर 4 की वैल्यू बच्चे 120 है तो 4 से काट दो, 4 से काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 से गुणा मार दो, 1 से गुणा मारोगे तो कितना आएगा, 30 इक्के 30। यानी कि आप ये जान चुके हो कि अगर 120 लीटर दूध होगा तो उसमें 30 लीटर क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, ये तो हमने पुराना जो प्रोसेस बताया उसी के आधार पर लगा दिया। अब डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट कहते कि 120 लीटर दूध है, अगर 25% का प्रॉफिट लेना है तो पानी तो फ्री होता है, तो 25% ही पानी मिला दोगे 120% में, यानी 120 का 25%, यानी 25 बटे कितना, 100। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल आता 25 चक्को 100, और 4 से इसको काटते कितना आ जाता बच्चे, 4 3 12, यानी कितना मिलाते तो 30 लीटर मिला देते, कितना मिला देते, 30 लीटर। क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं।